नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो हरीतकी, विभीतकी और आमलकी को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनती है। अब हम जानेंगे इसके घटक द्रव्यों के बारे में। इसका पहला घटक द्रव्य है हरीतकी। हरीतकी गुणों में माता के समान बताई गई है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार इस ड्रग्स के भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसका बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया चिबुला है। यह बुढ़ापे के प्रभावों को कम करती हैं, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखती है। इसका अगला घटक द्रव्य है विभीतकी, जिसे सामान्य भाषा में बहेड़ा कहा जाता है। यह भी हरीतकी के समान अनुपात में लिया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया बेलिरिका। यह हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। और इसका अंतिम घटक द्रव्य है आमलकी, जिसे हम सामान्य भाषा में आंवला कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है फाइलेंथस इम्बलिका। यह हमारे शरीर में जाकर ठंडक पैदा करता है और शरीर में दाह जैसी बीमारियों को दूर करता है। त्रिफला चूर्ण का निर्माण हरीतकी, विभीतकी और आमलकी को समान अनुपात में मिलाकर किया जाता है। इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले इन तीनों औषधियों को सुखाते हैं, फिर इनमें से बीज निकालकर उसका चूर्ण बना लेते हैं, फिर चूर्ण को आपस में मिश्रित कर देते हैं। यह चूर्ण हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है और भोजन को अच्छे से पचाता है। आचार्य वाग्भट ने त्रिफला को शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाली एक शक्तिशाली औषधि के रूप में वर्णन किया है। आचार्य चरक ने त्रिफला को त्रिदोष संतुलन के रूप में माना है। हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यह औषधि इन तीनों दोषों को संतुलित करती है। त्रिफला के सेवन से शरीर में वात का प्रवाह अच्छे से होता है। पित्त दोष को शांत करने के लिए यह शरीर में ठंडक लाती है और शरीर से अत्यधिक कफ को यह बाहर निकालती है। इसके अतिरिक्त त्रिफला का सेवन हृदय स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतुलन तथा स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है। त्रिफला चूर्ण को आमतौर पर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। इसे गर्म पानी, शहद या गर्म दूध के साथ लिया जाता है। सबसे अच्छे परिणाम के लिए इसे रात में सोने से पहले लिया जाता है, ताकि यह रात भर शरीर को शुद्ध कर सके। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार त्रिफला चूर्ण का निर्माण हरीतकी, विभीतकी और आमलकी के 1:1:1 से किया जाता है। इस मिश्रण को पाउडर के रूप में तैयार करके इसका सेवन किया जाता है। त्रिफला चूर्ण का उपयोग बाहरी रूप में भी किया जाता है। इसे फेस पैक या हेयर पैक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे त्वचा और बालों को स्वस्थ रखा जा सके। त्रिफला चूर्ण का अधिक उपयोग पेट में ऐंठन, दस्त या अन्य पाचन संबंधित बीमारियों को पैदा करता है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हरीतकी, बहेड़ा और आंवला से एलर्जी है तो वह इस चूर्ण का सेवन नहीं करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को गंभीर पाचन समस्या है तो वह डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। त्रिफला चूर्ण को रात्रि में ग्रत और शहद के साथ मिलाकर खाने से आंखों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह चश्मे के नंबर को भी कम कर देता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें।